दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या इंटरव्यू की तैयारी में लगे हुए हैं तो इस वीडियो को आप देख लीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, इंटरव्यू में जाने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजमल शेख, आप देख रहे हैं अरेंज जॉब। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को ठीक कर लेना है। डॉक्यूमेंट का मतलब है जो भी आपका रिज्यूम है, जो भी आपका सर्टिफिकेट है, डिग्री है, डिप्लोमा है, जो भी चीज़ें हैं उसका सॉफ्ट कॉपी एक PDF में कर लें, अपने मोबाइल में रखें, और हार्ड कॉपी को प्रिंट करवा के अपने पास में बैग में रख लें। अगर आप विदेशी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं किसी भी गल्फ कंट्री वगैरह में, तो आपको पासपोर्ट वगैरह भी कैरी कर लेनी चाहिए। और दोस्तों, जो भी आपकी रिज्यूम है उस रिज्यूम का बहुत ही प्रोफेशनल अच्छे तरीके से बनाना है, और रिज्यूम में आपको हर एक चीज़ को अच्छे से डिटेल को लिख लेना है, आपका नाम से लेके पता से लेके फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, और दूसरी चीज़ जो है जो भी आपने पढ़ाई किया है, जो भी आपने कोर्सेज किया है, जो भी आपने कहीं भी काम किया है, सर्टिफिकेट जो भी है, सब अच्छे से अटैच कर लेना है और उसमें अच्छे से मेंशन कर लेना है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह जो भी आपकी थी पिछले कंपनी में उसको अच्छे से मेंशन कर देना है, और उसका सॉफ्ट कॉपी अपना एक PDF बना के अपने मोबाइल पे रखना है, PDF का, जिस PDF में आपका रिज्यूम, आपका रिज्यूम के साथ में आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि सर्टिफिकेट, कोई डिग्री, कोई कहीं काम किया हुआ वर्क एक्सपीरियंस, आपका पासपोर्ट कॉपी का जेरोक्स, उन सभी को आप एक हार्ड कॉपी का 3-4 सेट कम से कम अपने बैग में ज़रूर रखें। डॉक्यूमेंट ठीक कर लेने के बाद दोस्तों, डॉक्यूमेंट को अपने बैग में रख लें और अपने पासपोर्ट कॉपी को भी अपने पास में ज़रूर रखें, अगर आप विदेश के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो। उसके बाद अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो इंटरव्यू जाने से पहले जिस भी कंपनी के इंटरव्यू में जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में अच्छे से आपको रिसर्च कर लेना चाहिए कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का नेचर क्या है, मतलब कंपनी कंस्ट्रक्शन है, कंपनी मेंटेनेंस का है, कंपनी क्या काम करवाती है, ऑयल एंड गैस है, किस फील्ड में क्या काम करवाती है, हो सकता है ड्रिलिंग का काम करवाती हो सकता है ऑयल एंड गैस का काम करवाती हो, जो भी कंपनी का नेचर है आपको इंटरव्यू में जाने से पहले आपको जान लेना चाहिए, जिससे आपको इंटरव्यू देने में और भी इजी हो जाएगा। क्योंकि होता ही है कि जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करेगा तो वो अपना नेचर, जो वर्क नेचर उसका है, उसके अकॉर्डिंग आपसे सवाल करेगा, और अगर आप उसको याद कर लेंगे तो आपको जवाब देने में बहुत ही इजी हो जाएगा। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये है कि आपको किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने से पहले उस कंपनी का नाम पता कर लीजिए और उस कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, कंपनी क्या काम करवाती है, और उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा स्टडी कर लीजिए अपने घर पे ही, जिससे आपको इंटरव्यू देने में और भी इजी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको इंटरव्यू जाने से पहले अच्छे से ग्रूमिंग करना है, बाल वगैरह अच्छे से कटवा लेना है, और या फिर अपना कंघी कर लेना है, और सेविंग वगैरह कर लेना है, या फिर ट्रिमिंग कर लेना है, यानी कि अच्छे से ग्रूमिंग होके आपको इंटरव्यू जाना है। और इंटरव्यू जाने से पहले अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छे कपड़े का मतलब है कि कोई भी फॉर्मल कपड़े पहनने हैं, फॉर्मल शूज़ पहनने हैं, जो ज़्यादा चमकीले वगैरह ना हो, फॉर्मल शर्ट और पैंट हो जो कि देखने में प्रोफेशनल लगे। क्योंकि जहाँ भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर गल्फ कंट्री के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर अलग अलग कल्चर, अलग अलग समाज के लोग होते हैं, अलग अलग जगह से लोग आए हुए होते हैं, तो अगर आप एक अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे साफ़ सुथरे और बिल्कुल फॉर्मल कपड़े पहनेंगे तो देखने में आप प्रोफेशनल लगेंगे, और इंटरव्यूअर का नज़र इस पर ज़रूर आपका रहेगा। जो कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, वही आपको साथ में हो सकता है कि आपका कपड़े से, अच्छे कपड़े पहनने से भी आपको पहचाना ज़्यादा जाएगा। क्योंकि जो भी इंटरव्यू लेने आए ना, आपसे कहीं मिला है ना आपको जानता है दोस्तों, तो एक अच्छे कपड़े, एक अच्छे वेल मेंटेन होकर जाएंगे तो वो आपका स्वभाव, आपका जो है जो अंदर की चीज़ें हैं वो दिखाती है कि आप कैसे हैं, क्या है, तो उससे भी चांसेस हो जाता है कि आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन आपको कर ले। तो ज़रूर अच्छे कपड़े पहने, पैंट पहने और फॉर्मल पैंट पहने, शर्ट पहने और फॉर्मल सूज़ ही पहन के जाएँ, और अच्छे से ग्रूमिंग करके जाएँ, जो बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले। उसके बाद दोस्तों, कभी आपका एक बात और ध्यान रखना है कि कभी भी इंटरव्यू में आप जाएँ तो टाइम से पहले जाएँ। फ़र्ज़ करें कि इंटरव्यू में आपको 10 बजे बुलाया गया है तो आप 9 बजे वहाँ पहुँच जाएँ, यानी 1 से 1.5 घंटा हमेशा आपको पहले ही पहुँच जाना है। उससे होगा ये कि आपको इंटरव्यू में बैठने का चांस जो है जल्दी मिलेगा, और इससे चांस आपका ज़्यादा हो जाएगा इंटरव्यू में पास होने का। जहाँ भी आप इंटरव्यू में जाएँ तो समय से पहले जाएँ और अपनी जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो जमा कर दें, और डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद में, यानी किसी ऑफिस में आपका एक फॉर्म वगैरह फिलअप करना होता है तो फॉर्म वगैरह फिलअप कर लें, फिलअप करके अपने डॉक्यूमेंट को जल्द से जल्द जमा कर लें। और अगर आपने पहले इंटरव्यू दिया तो हायर चांसेस ये भी है कि आपको सिलेक्शन
हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो जो इंटरव्यू देते हैं उसका ज़्यादातर चांस रहता है सिलेक्शन होने का, जो एकदम एंड में जाते हैं उसका चांस थोड़ा कम हो जाता है। तो हमेशा एक इस बात का ख्याल रखें कि जितना हो सके सुबह उठे, अगर सुबह इंटरव्यू तो सुबह उठे, या सुबह उठ के अपने फ्रेश होकर हर चीज़ करके आप जो है चले जाएँ और समय से पहले पहुँचें। और जो भी तैयारियाँ करना है डॉक्यूमेंट या जो दूसरी चीज़ों का, उसको एक दिन पहले कर ले, क्योंकि ताकि आपको सुबह का टाइम में प्रॉब्लम ना हो, या फिर एक दिन पहले रात में ही सब तैयारी को कर ले, हर डॉक्यूमेंट को अपना बैग वगैरह में रख ले और सुबह उठकर जल्दी से जल्दी इंटरव्यू में जाएँ, तो समय से पहले पहुँचें, जिससे कि आपको इंटरव्यू जो है जल्दी होने का चांसेस होगा और जल्दी से जल्द आप फारिग हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, अगर आप इंटरव्यू में जैसे ही बैठते हैं इंटरव्यूवर के पास में, हमेशा अपने आप को शांत रखें, अपने आप को हमेशा जो है बिल्कुल काम डाउन कर लें, और जो दुनिया की दूसरी चीज़ें हैं उसको भूल जाएं, और बिल्कुल शांति से इंटरव्यू की बात को सुने और उसका आंसर दें। और कभी भी इंटरव्यूवर को आप ना नहीं करें, कुछ भी सवाल करें तो उसमें से जो भी जवाब आपसे हो सके आप ज़रूर दें। हो सकता है कोई सवाल का जवाब आप 100% दें, या हो सकता है कोई जवाब का आंसर आप 30% दें या 50% दें, लेकिन कुछ भी जो भी आपको आता है ज़रूर बताएं, ज़रूर कहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बैठने का, उठने का, बोलने का अंदाज़ बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, और बिल्कुल कोशिश करें कि कुछ ना कुछ कह के ही आएं। अगर आप स्टोर कीपर के लिए, फ़र्ज़ करके अगर आप स्टोर कीपर के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो जो भी, इससे मैंने पहले बताया कि कंपनी का नेचर को समझ ले, उससे होगा ये कंपनी का नेचर जब समझ लेंगे तो मटेरियल वगैरह का नाम वगैरह जो भी है थोड़ा याद कर लें, जिससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जिस भी नेचर का वो कंपनी है उसी के अकॉर्डिंग वो मटेरियल के बारे में पूछेगा, और आप पहले से कुछ याद करके गए ही है तो कुछ जो भी आपको याद है उस मटेरियल का नाम वगैरह बोल दें, और जो भी काम का प्रोसेस है उसको भी आप बता दें, तो इससे होगा ये कि मटेरियल आपको जो है हायर चांसेस हो जाएगा इंटरव्यू में पास होने का। तो कभी भी आप जब इंटरव्यू के सामने बैठे अपने आप को शांत रखें, और दूसरी चीज़ ये है कि आप आई कांटेक्ट बना कर रखें, जब भी इंटरव्यूअर आपसे कुछ पूछे तो उसका आईज में देखें, हल्का स्माइल रखें और उसको देख के बिल्कुल ध्यान से बात को सुने, और उसके आई कांटेक्ट में रह के उसे आंसर करें, ना कि ये कि आप ऊपर नीचे या दाया बाया देखें, इससे होगा ये कि आपका इंटरव्यूअर जो है वो कुछ गलत सोच लेगा, क्योंकि इंटरव्यू देने वाला हो सकता है कोई अरबी हो, कोई दूसरे का कोई गोरा हो, कोई दूसरे कंट्री से आया हुआ हो, तो वो एक गलत माइंड कर लेगा, उसे नहीं पता हमारे इंडियन कल्चर में शर्म या क्या होता है, तो इससे ये होगा कि आपको जो है चांसेस ये हो जाएगा आपको वो पास नहीं करेगा। तो कभी भी आप आंसर कीजिए तो बिल्कुल इंटरव्यूअर का आई कॉन्टैक्ट में ही रह के आप उसे देख के बात कीजिए, हल्का हो सके स्माइल भी कर सकते हैं कहीं ज़रूरत पड़े तो, और उसे अच्छे से बात कीजिए, डील कीजिए, ना कि ऊपर नीचे दायां बायां देखिए। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा किसी भी इंटरव्यू जाने से पहले कि आपको आई कांटेक्ट बनाकर रखना है, काम डाउन रहना है, इंटरव्यूअर के बात को ध्यान से सुनना है और बिल्कुल अच्छे से उसको आंसर करना है। कभी भी इंटरव्यूअर के साथ में कोई फिजूल की बातें ना करें, बिल्कुल काम की काम, पॉइंट टू पॉइंट बातें करें, और जब भी वो आप उसका आंसर दें सोच समझ के दें। अगर इंटरव्यूअर आपसे ये कहे कि आप किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए फ्लेक्सिबल है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है उस पे काम कुछ महीने का है, उसके बाद कंपनी के पास कुछ दूसरा प्रोजेक्ट और है, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं कहीं भी काम करने के लिए किसी भी जगह पे? तो बिल्कुल उसमें ना नहीं करें, हाँ करें कि हाँ मैं कहीं भी काम करने को तैयार हूँ और मैं कर लूँगा। कभी भी पॉजिटिव जो है बातें करें, नेगेटिव बातें वहाँ पर बिल्कुल ना करें, जिससे इंटरव्यूअर को ये लगेगा कि आप कहीं भी काम करने के लिए किसी भी कंडीशन में तैयार हैं, तो आपसे वो इम्प्रेस हो जाएगा और ज़्यादा हाइयर चांस रहेगा आपको वो सिलेक्शन कर लेगा। फर्ज करें सिलेक्शन आपको कर ले कंपनी, तो एक बात का और ध्यान रखिएगा, कब समटाइम वो ऑफर लेटर संग दे जाता है, समटाइम थोड़ा बाद में देता है, तो जब भी आपको ऑफर लेटर मिलता है तो हमेशा ऑफर लेटर को पढ़ ले, क्योंकि जब भी इंटरव्यू के टाइम में आपको जो सैलरी बताई गई है, जो भी फैसिलिटी बताई गई है, वो हो सकता है कि आपने गौर किया, हो सकता है कुछ बातें गौर नहीं किया हो, लेकिन ऑफर लेटर में वो बिल्कुल क्लियर लिखा होता है कि क्या आपको सैलरी देगी, कितनी घंटे की ड्यूटी रहेगी, आपका मेडिकल रहेगा कि नहीं, एकोमोडेशन रहेगा कि नहीं, खाना फूड वगैरह क्या रहेगा, वो सब जो है ऑफर लेटर में मेंशन किया जाता है। तो कभी भी ऑफर लेटर जब भी आप साइन कर रहे हो तो साइन करने से पहले आपको ऑफर लेटर को अच्छे से पढ़ लेना है, इसमें सब कुछ सारी जानकारी दी होगी, आप उसको देख के पढ़ के तभी साइन करें। तो ये सारी टिप्स हैं, आई थिंक ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और दोस्तों में भी शेयर कर लें। अगर चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।